झारखंड के रांची में हो गया बड़ा बवाल, रोका गया चंद्रशेखर आजाद को, फिर गुस्सा है चंद्रशेखर आजाद आए अपने रौद्र रूप में। हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहां की एक विधानसभा पांकी के लिए जा रहे थे बाय रोड, लेकिन कुछ पुलिस वाले आते हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी आते हैं और उनकी गाड़ी को चेक करने की मांग करते हैं। एक व्यक्ति जो कि इस देश का सांसद है, सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है, उसकी गाड़ी को अवैध तरीके से चेक करने की मांग करते हैं और बदतमीजी करते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ। हाँ दोस्तों, बदतमीजी भी करते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ और चंद्रशेखर आजाद को इस बात का बहुत गुस्सा भी आ जाता है, वो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। दोस्तों, वो रांची से पांकी की ओर जा रहे थे जहाँ पे उनकी एक सभा थी, रैली थी, उनका हेलीकॉप्टर जो दौरा था वो रद्द हो गया था, इसलिए वो बाय रोड रांची से पांकी की ओर जा रहे थे, तब भी बीच में ये पूरा कांड हुआ है। तो ये वीडियो देखिए आप लोग। सर, आप लोग आए तो सर, सर, वीडियो ऑन कीजिए, फोन कीजिए। कर रहा है कि एमपी होगा कि हम थप्पड़ जोर के मार दिया गाड़ी पे, थप्पड़ करना है गाड़ी पे। बाल आदमी से ऐसे बात करते हो? नौकरी तो है। हां, करा बोले तेरा जब तो होना, की गाड़ी चेक कर रहे हैं। आपको तो गाड़ी चेक कर रहा है। गाड़ी चेक कर, तनी से बात कर, तुझे नहीं पता कौन है, मुझे बता दे उसके बाद भी। फोन तो चेक कर, से बात करना भी। अगर इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा किस प्रकार से अवैध तरीके से चंद्रशेखर आजाद, जो कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है, एक देश के माननीय नागरिक है और साथ में उससे भी बड़ी बात की वो सांसद है, संसद भवन के सांसद है, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है और झारखंड चुनाव को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद झारखंड के दौरे पर है और वो एक विधानसभा पांकी में जा रहे थे, लेकिन उनके साथ बीच में इस प्रकार की हरकत करती है वहां के सुरक्षा स्टाफ जो कि झारखंड का है और झारखंड में भी एक बहुजन व्यक्ति हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या ये सब सरकार के इशारे पे हो रहा है? क्या ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन से मनुवाद सिस्टम के द्वारा हो रहा है? ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। किस प्रकार से एक सांसद को इस प्रकार अवैध तरीके से रोका जाता है, उसके साथ बदतमीजी करी जाती है सुरक्षा कर्मियों द्वारा, फिर चंद्रशेखर आजाद अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं तो वो भी थर थर कांपने लगते जो उनको रोक रहे थे। दोस्तों, कमेंट कीजिए और बताइए इसमें किसकी गलती है और कौन जिम्मेदार है। कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।